सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आपका टीरिस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। ब्लेंडर का फाइनली जो नया स्टेबलाइज वर्जन है वो फाइनली रिलीज हो चुका है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। हाँ, ब्लेंडर जो है बेसिकली 3D एनिमेशन के लिए यूज होता है। ब्लेंडर के थ्रू आप 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, मॉडलिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, स्कल्पचिंग करना हो, कुछ भी आपको एक मूवी के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको कंपोजिशन करना हो, टेक्सचरिंग करना हो, लाइटिंग करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ब्लेंडर का यूज़ हो सकता है। ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप परचेस नहीं करना पड़ता है और आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो 3D के लिए यूज़ होता है। 3D में, 2D में, VFX में, कंपोजिशन में, ग्राफिक डिज़ाइन में, सब भी जितने भी एक डिज़ाइन स्टूडियो में जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है वो सब कुछ आप ब्लेंडर के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो 2.8 वर्जन आया है उसमें तो इतने सारे फंक्शन, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आप माया और 3D मैक्स को भूल जाएंगे। ये इजी टू यूज़ है और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया है। तो मैं इसका एक पूरा बिगिनर को गाइड करने के लिए पूरा एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया ब्लेंडर कहाँ पे यूज़ हो सकता है, मूवी बनाने के लिए, गेमिंग बनाने में, 2D एनिमेशन में, 3D प्रिंटिंग में भी आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर, फ्री लाइसेंस वाला, 3D मैक्स और माया को टक्कर देने वाला ये सॉफ्टवेयर बना है ब्लेंडर। आप ज़रूर ब्लेंडर का यूज़ करिए क्योंकि आगे जो फ्यूचर है 3D में उसमें ब्लेंडर सबसे ऊपर टॉप पे जाने वाला है। तो आपको जितना हो सके उतना ब्लेंडर पे फोकस करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न एक ही है कि दूसरे जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉस्टली है, तो आप उस पर कंपनी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहेगी। तो आपको ब्लेंडर जो है ओपन सोर्स है, फ्री लाइसेंस का यूज़ करके आप बना सकते हैं कुछ भी अगर आपको 3D बनाना हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हो सके उतना ब्लेंडर पे फोकस कीजिए, ठीक है।